नमस्कार दोस्तों, मैं वैभव आपका हॉरिजन एक्टिव का स्वागत करता हूँ। आज का जो वीडियो इस वीडियो में देखना है स्टैटिकल क्वालिटी कंट्रोल मतलब SQC। इसके पहले जो क्वालिटी कंट्रोल में मैंने वीडियो अपलोड किए थे उसमें हुआ था क्वालिटी ऑफ डिज़ाइन, क्वालिटी ऑफ कन्फर्मेंस, क्वालिटी ऑफ परफॉर्मेंस, उसके बाद एक्स बार आर चार्ट, पी चार्ट, एक्सोटन सैम्पलिंग, ये सारा कुछ इस क्वालिटी कंट्रोल के प्लेलिस्ट में ऑलरेडी वीडियोज़ अपलोड किए वाले हैं, वो आप देख लीजिए। और आज की वीडियो की तरफ बढ़ते हैं कि आज का जो टॉपिक है उसका नाम है स्टैटिकल क्वालिटी कंट्रोल, उसको शॉर्ट फॉर्म में क्वालिटी कंट्रोल में SQC भी कहा जाता है। अभी पहले क्वालिटी कंट्रोल क्या है वो पहले देख लेते हैं, फिर SQC की तरफ जाते हैं। क्वालिटी कंट्रोल का डेफिनेशन कुछ इस तरह से है, क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम इंस्पेक्शन, टेस्टिंग एंड एनालिसिस ऑफ योर सिस्टम वेदर यू आर मैन्युफैक्चरिंग ए प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू योर स्टैंडर्ड और नॉट। क्वालिटी कंट्रोल में क्या होता है, आपका इंस्पेक्शन होता है, टेस्टिंग होता है एंड एनालिसिस होता है। आपकी जो सिस्टम है वहाँ पे जो पार्ट्स मैन्युफैक्चर हो रहे हैं वो आपके जो लेट डाउन स्टैंडर्ड है उसके हिसाब से हो रहे नहीं या हो रहे नहीं हो रहे या नहीं हो रहे, ये जो देखा जाता है वो किस में देखा जाता है, क्वालिटी कंट्रोल में देखा जाता है। तो बात अभी आती है SQC मतलब स्टैटिकल, ऐसी एक क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम जिसमें स्टैटिकल टेक्निक्स का यूज़ किया जाता है उसको क्या कहा जाता है, स्टैटिकल क्वालिटी कंट्रोल कहा जाता है। तो स्टैटिकल क्वालिटी कंट्रोल्स यूज स्टैटिकल टेक्निक्स इन दिस कंट्रोल इम्प्रूव एंड मेंटेन योर क्वालिटी सिस्टम और इट इज़ यूज टू आइडेंटिफाई फॉल्ट्स इन योर प्रोसेसेस। ठीक है, फिर इसके बाद अभी ये स्टैटिकल टेक्निक्स में है क्या, इसमें मैंने यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में लिखा है COAIP। मतलब क्या, सी मतलब क्या है, कलेक्शन है, ओ मतलब ऑर्गेनाइजेशन है, ए मतलब एनालिसिस है, आई मतलब इंटरप्रिटेशन है और पी मतलब प्रेजेंटेशन है। कलेक्शन ऑफ डाटा, ऑर्गेनाइजिंग ऑफ दैट डाटा, एनालिसिस ऑफ दैट डाटा, इंटरप्रिटेशन एंड प्रेजेंटेशन इन टेबुलर फॉर्म इन और इन ग्राफिकल फॉर्म। ओके, ये इसमें है। फिर ये स्टैटिकल क्वालिटी कंट्रोल जो है ये बेस्ड ऑन लार्ज नंबर्स, आपके पास बहुत सारा डाटा रहता है और फिर उसके बाद क्या करते हो आप, बाय द यूज ऑफ प्रोबेबिलिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ वेरिएंस। मतलब क्या, एक ऐसी टेक्निक है जिसमें अगर आपके प्रोसेस में कोई भी वेरिएशन है तो ये टेक्निक आप यूज कर सकते हैं उसमें। फिर सिस्टमेटिक वर्सेस हैफजर्ड, अभी आपका जो इंस्पेक्शन होता है उसमें कैसा होता है कि पार्ट्स आते हैं, आप उसको इंस्पेक्ट करते हो फिर ओके या नॉट ओके कहते हो, लेकिन ये जो इंस्पेक्शन है ये हैफजर्ड है। मतलब क्या, कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि नॉट ओके जॉब भी आपके हाथ से निकल जाएगा। ठीक है, लेकिन ये SQC ये जो है ये कैसी सिस्टमेटिक प्रोसेस है, इसमें पूरा आप डाटा को ऑर्गेनाइज करके एनालाइज करके उसको आप मैनेज करते हो। उसके साथ ही SQC की वजह से क्या होता है, आपका जो बायस डिसीजन होता है, कभी कोई कहता है कि ये ओके जॉब है ये नॉट ओके, ऐसे नहीं होता है। उसके बाद अनकवर पुअर जजमेंट, आपके अगर सिस्टम में कोई पुअर जजमेंट है वो भी अनकवर हो जाते हैं उसमें। बेसिकली अभी ये जो SQC टेक्निक्स है इसमें 3 मेन स्टेप्स है, वो कौन से है, सिस्टमेटिक कलेक्शन एंड ग्राफिकल रिकॉर्डिंग ऑफ डाटा, उसके बाद एनालाइजिंग द डाटा। आप क्या करते हो, पहले तो डाटा को कलेक्ट करते हो, फिर उसको ग्राफिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हो, फिर उसका एनालिसिस करते हो कि क्या हो रहा है। ठीक है, फिर प्रैक्टिकल इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट एक्शन, अगर आपका जो डाटा कलेक्ट हुआ है वो अगर कुछ दिखा रहा है कि आपका जो जॉब के जो साइज आ रही है वो आपके स्पेसिफाइड लिमिट से आउट जा रही है, तो आप क्या कर सकते हो, प्रैक्टिकल इंजीनियरिंग और मैनेजमेंट एक्शन उसके ऊपर ले सकते हो। ऐसे 3 मेन इसके स्टेप्स है। अभी ये जो मॉडर्न टेक्निक्स है उसमें कौन कौन से मॉडर्न टेक्निक्स है, SQC एंड एक्सेप्टेंस सैम्पलिंग प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन। अभी मॉडर्न टेक्निक्स SQC एंड एक्सेप्टेंस सैम्पलिंग प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन। अभी क्या क्या इंक्रीज होता है, अगर आप कंपनी में ये 2 टेक्निक्स अगर एम्प्लॉय करते हो तो क्या होता है, आपका इन्हांसमेंट इन योर क्वालिटी, उसके बाद इन्हांसमेंट इन योर प्रोडक्टिविटी, उसके बाद क्रिएशन ऑफ कंज्यूमर कॉन्फिडेंस, कंज्यूमर ब्लाइंडली आपके प्रोडक्ट परचेस करना चाहेगा, उसके बाद इंक्रीज इन योर इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक ऑफ योर कंट्री। ठीक, फिर उसके बाद अभी जैसे मैंने यहाँ पे कहा था कि ये क्या है कि बेस्ड ऑन लार्ज नंबर्स एंड प्रोबेबिलिटी पे डिपेंड है, तो रिलाइंग ऑन प्रोबेबिलिटी SQC प्लेज इंपॉर्टेंट रोल। अगर आप कोई टेक्निक
खाली आप क्या कर रहे हो कि जो प्रोबेबिलिटी है उसको डिपेंड नहीं हो आप। जैसे मैंने कहा था कि एक्सेप्टेंस सैंपलिंग में क्या होता है कि लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी के ऊपर वो बेस्ड है। आप खाली प्रोबेबिलिटी के ऊपर बेस्ड नहीं हो, आप क्या कर रहे हो, एक्सक्यूसिव भी क्या कर रहा है उसमें एक बहुत सारा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। द फॉलोइंग स्टैटिकल टूल्स आर जनरली यूज फॉर पर्पज ऑफ एक्सरसाइजिंग कंट्रोल, इंप्रूवमेंट ऑफ क्वालिटी, इन्हांसमेंट ऑफ प्रोडक्टिविटी, क्रिएशन ऑफ कंज्यूमर कॉन्फिडेंस एंड डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल इकोनॉमी ऑफ द कंट्री। अभी नीचे कुछ मैंने एग्जांपल्स दिए कि यार टेक्निक्स दिए, वो क्या करते हैं, यूज़ होता है उसका, किसके लिए यूज़ होता है कि आपका क्वालिटी इन्हांसमेंट के लिए, प्रोडक्टिविटी इंप्रूव के लिए, कंज्यूमर कॉन्फिडेंस इंप्रूव करने के लिए, और उसके साथ इकोनॉमी को इंक्रीज करने के लिए भी उसका यूज़ होता है। मतलब ये पॉइंट वापस से रिपीट होने वाला है। तो उसमें क्या क्या है, कंट्रोल चार्ट्स है। जैसे अगर मेरे आप कंट्रोल चार्ट्स की वीडियो देखो तो आपको पता चल जाएगा कंट्रोल चार्ट्स में क्या होता है। एक मीन लाइन होती है, एक अपर लाइन, अपर कंट्रोल लिमिट होता है, लोअर कंट्रोल लिमिट होता है। उसमें क्या होता है कि आप जैसा आपका साइज आएगा वैसे क्या करते हो, आप उसको जॉब को कंट्रोल चार्ट पे मार्क करते हो। इसकी वजह से क्या होता है कि आपको पता चलता है कि आपका जो जॉब है वो किस तरफ डिविएट हो रहा है। ठीक है, ये एक टेक्निक एसक्यूसी में यूज़ होता है। फिर उसके बाद है एक्सेप्टेंस सैम्पलिंग। एक्सेप्टेंस सैम्पलिंग में क्या है कि आप आपके कंपनी में इनवर्ड इंस्पेक्शन में लॉट आता है, फिर उसके ऊपर से आप डिपेंड अपॉन द लॉट साइज आप क्या करते हो, जॉब निकालते हो, फिर उसमें से कितने डिफेक्टिव निकलते हैं या नहीं निकलते उसके ऊपर आप वो लॉट को क्या करते हो, एक्सेप्ट या रिजेक्ट करते हो। ये एक्सेप्टेंस सैम्पलिंग का है, ये है। फिर उसके बाद फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है कि आप एक महीने भर का डाटा या हफ्ते भर का डाटा या एक पर्टिकुलर एक मशीन का डाटा कलेक्ट करते हो, फिर उसको टैबुलर फॉर्म में प्लॉट करते हो या टैली के फॉर्म में प्लॉट करते हो, और पर्टिकुलरली एक आधा क्वालिटी कैरेस्टिक्स है वो कितना कितने टाइम रिपीट हो रहा है। कंसिडर करेंगे कि एक शॉप है, वहाँ पे एक सर्कुलर शाफ्ट मैन्युफैक्चर होता है, फिर उसका ओवर साइज का एक डिफेक्ट है, तो ओवर साइज का डिफेक्ट कितनी बार रिपीट हो रहा है वो क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, ये प्लॉट करते हैं, और हर वीक में ये वीक फर्स्ट है, वीक सेकंड है, वीक थर्ड है, ऐसे क्या करते हैं उसको टेबुलर फॉर्म में प्लॉट करते हैं। और अपना क्वालिटी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या था, डायमीटर था। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन विल शो एवरेज क्वालिटी, स्प्रेड ऑफ क्वालिटी, कंपेरिजन विथ स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट एंड प्रोसेस कैपेबिलिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर मशीन। एक मशीन के ऊपर मैंने स्टडी किया तो मुझे पहले हफ्ते इतना मिला, दूसरे हफ्ते, तीसरे हफ्ते और चौथे हफ्ते, इसको आपको क्या करता है कि समझता है कि वो मशीन की प्रोसेस कैपेबिलिटी कितनी है, क्या है वो सब। और उसमें चौथा है एनालिसिस ऑफ डाटा। इट इंक्लूड्स स्पेशल मेथड्स विच इंक्लूड सच टेक्निक्स एज द एनालिसिस ऑफ टॉलरेंस। आप टॉलरेंस का एनालिसिस करते हो, कोरिलेशन, एनालिसिस ऑफ वेरियंस, अगर आपके जो स्पेसिफाइड लिमिट्स है उसमें कुछ वेरिएशन आ रहा है तो वो देखते हो आप, एनालिसिस फॉर इंजीनियरिंग डिज़ाइन, प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स टू इलिमिनेट कॉज ऑफ ट्रबल्स। ऐसा ये पूरा एसक्यूसी का ये वीडियो था। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू। अगले वीडियो में बेनिफिट्स ऑफ एसक्यूसी देखते हैं।